दोस्तों, रतन टाटा को कौन नहीं जानता। ये भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। टाटा के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भारत के हर तबके के लोग करते हैं, चाहे वो टाटा नमक हो या टाटा टी। और तो और, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ दुनिया में सबसे सेफ और मजबूत मानी जाती हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद कर एक इतिहास ही रच दिया। आज से 68 साल पहले एयर इंडिया टाटा ग्रुप का ही हिस्सा था, जिसे बेच दिया गया था। सालों बाद एयर इंडिया को टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। रतन टाटा भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं, जो अपने सरल स्वभाव की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वह कभी अपने बीमार कर्मचारी से मुलाकात करने उनके घर चले जाते हैं, तो कभी उदार व्यक्तित्व की वजह से तारीफें बटोरते हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, इसकी वजह क्या है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ था। रतन टाटा का बचपन बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि उन्होंने टाटा ग्रुप के मालिक जमशेद जी टाटा के घर जन्म लिया था। हालांकि माता पिता के तलाक के बाद 10 साल के रतन टाटा को कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हालातों के सामने हार नहीं माना। रतन टाटा जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्हें और उनके भाई को अपने माता पिता के तलाक की वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ी। स्कूल में स्टूडेंट उनकी रैगिंग करते थे और उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए बाहर जाना और लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया था। जब रतन टाटा की माँ ने दूसरी शादी की, तो लोगों ने उनकी माँ को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान रतन टाटा को उनकी दादी की तरफ से बहुत ही पर्सनल सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से उन्हें हर कीमत पर गरिमा बनाए रखने की सीख मिली। भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा अपने शुरुआती करियर के दौरान लॉस एंजलिस में कंपनी में काम करते थे। इस दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन साल 1962 में भारत चीन के युद्ध की वजह से उनकी शादी में रुकावट आ गई। दरअसल युद्ध की वजह से रतन टाटा अस्थायी रूप से भारत लौट आए थे, क्योंकि उन्हें अपनी दादी से मिले लगभग 7 साल का समय हो गया था। ऐसे में उन्होंने युद्ध के तनाव के बीच अपनी दादी से मुलाकात करने का फैसला किया। वह अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी शादी के लिए भारत ले जाना चाहते थे। रतन टाटा ने सोचा था कि वह जिस लड़की से प्यार करते हैं, वह भी उनके साथ भारत चलने के लिए तैयार होगी। लेकिन भारत और चीन के युद्ध की वजह से स्थिति बहुत खराब थी और लड़की के माता पिता तनाव के हालातों में शादी करवाने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में रतन टाटा का प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद उनका उस लड़की से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। इस घटना के बाद रतन टाटा वापस भारत लौट आए और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन बनने के बाद रतन टाटा के पास पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला कर सबको चौंका दिया। उनका मानना है कि इंसान को उसका प्यार मिले या ना मिले, उसे हमेशा अपने प्रेम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।